बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मौजूद ख़वातीनों हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में सूरत कहफ की फजीलत पर बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। दोस्तों, ये जो हदीस पेश की जा रही है इसे इमाम हाकिम ने भी नकल किया और इसे जामे उस सगीर किताब में भी नकल किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ की तिलावत करता है, उस जुमा से लेकर अगले जुमा तक उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नूर आखरत में उसे अता किया जाएगा, जो नूर उसकी मदद फरमाएगा, उसकी रहनुमाई फरमाएगा। अब चलते हैं दूसरी हदीस की तरफ। तफसीर कुर्तबी में है कि जो शख्स जुमा की रात को या जुमा के दिन को सूरत कहफ पढ़ता है, तो वहाँ जिस मकाम पर वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक नूर पैदा कर दिया जाता है और फिर उस पढ़ने वाले के उस जुमे से लेकर अगले जुमा तक के दरमियान उससे जितने गलतियां होंगी, जितने गुनाह सरजद होंगे, यानी गलती से जो उससे गुनाह सरजद होंगे, तो वो उसकी ख़ताओं को, लग्जशों को भी मुआफ़ कर दिया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि सूरत कहफ को पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते भी उसके लिए रहमत व मगफरत की दुआ करते रहेंगे। इसी तरह जब वो पढ़ने वाला, सूरत कहफ की तिलावत करने वाला, वो तमाम बीमारियों से, ख़तरनाक मोहलक बीमारियों से भी महफूज रहेगा। इसी तरह इस सूरत कहफ की पढ़ने वाले को ये भी बरकात नसीब होंगी कि वो दज्जाल के फितनों से और ज़माने के फितनों से भी महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब दज्जाल के फितनों से महफूज रहने की इसमें बरकात और फजीलत मिलती है, तो फिर यूं समझें कि जो हर जुम्मातुल मुबारक को सूरत कहफ की तिलावत करे, तो इसकी बरकत से उसके ईमान की भी हिफाजत होगी, दज्जाल के फितनों से, ज़माने के फितनों से भी वो महफूज रहेगा। इसी तरह अल्लाह के फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की, बख्शिश की दुआ करते रहेंगे और हत्ता के इसी तरह वो बीमारियों से भी महफूज रहेगा। तो दोस्तों, इसे हर जुमतुल मुबारक को पढ़ने का मामूल बना लें। अस्सलामु अलैकुम।